वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. दिस लॉ स्टेट्स दैट वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर अनदर कैरेक्टर. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंस ओवर अनदर कैरेक्टर्स. अभी प्रीवियस वीडियो में हम देखें कि जब हम क्रॉस कराते हैं टाल और ड्वार्फ के बीच में, तो यफोन जनरेशन में केवल टाल प्लांट्स ही हमें दिखाई देते हैं. यफोन जनरेशन में केवल टाल प्लांट दिखाई देने का मतलब क्या हुआ, जबकि हमने क्रॉस कराया था टाल और ड्वार्फ में, ड्वार्फ का कैरेक्टर क्या हुआ, अनएक्सप्रेस्ड रह गया और केवल दिखाई क्या दिया, टाल का कैरेक्टर. मीन्स द कैरेक्टर्स ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द कैरेक्टर ऑफ डार्कनेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और हम ये भी समझ सकते हैं कि जो कैरेक्टर यफोन जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन यफोन जनरेशन दे आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड द कैरेक्टर विच आर अनएक्सप्रेस्ड इन यफोन जनरेशन दे आर कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर. उसे हम कहते हैं क्या, रिसेसिव कैरेक्टर. लेकिन मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग है रिसेसिव कैरेक्टर्स भी दिखाई देते हैं, भले उनका रेशियो कम होता है. तभी तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि हाउ कैरेक्टर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पैरेंटल कैरेक्टर कैसे पास होते हैं. लेकिन यफोन में जो नहीं दिखाई देते हैं उसे हम कहेंगे रिसेसिव, और जो कैरेक्टर यफोन जनरेशन में दिखाई दे देते हैं उसे कहते हैं क्या, हम डोमिनेंट. अब आते हैं एक्सेप्शन भी हैं कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस के. मेंडल ने जो लॉ दिया था उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं. इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मेंडल ने बताया कि कैरेक्टर्स जैसे दो हैं, एक रिसेसिव है और डोमिनेंट है, तो दोनों में से दोनों ही एक्सप्रेस्ड होंगे. ये अलग है कि यफोन जनरेशन में जो कैरेक्टर जो आएगा वह डोमिनेंट होगा, एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर भी पास होगा, वह यफ टू जनरेशन में दिखाई देगा. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आया, नाम ही है इसका, इट इज़ नेम ऑलरेडी इंडिकेट दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं, नॉर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव. व्हेन ही क्रॉस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव इन यफोन जनरेशन, नॉन रिसेसिव कैरेक्टर नॉन डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड एंड इंटरमीडिएट ट्रेड्स आर सीन इन यफोन जनरेशन. एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई दिया यफोन जनरेशन में, तो इस तरह के ट्रेड्स को, इस तरह के डोमिनेंस को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट. नाइदर एलील्स इज डोमिनेंट व्हेन एन आरनी इज हेटरोजाइगस फॉर ट्रेड्स इट विल शो द थर्ड. एक अलग तरह का फिनोटाइप दिखाई दिया, द थर्ड फिनोटाइप जिसे ये रेड या येलो का क्रॉस कराया गया, एक अलग तरह का कलर का शो हुआ, न रेड आया न ये कलर आया, एक अलग तरह का कलर शो हुआ. मीन्स एक थर्ड फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन यफोन जनरेशन. मीन्स यहाँ पर ब्लेंडिंग होगी. मेंडल ने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया था, इसको प्रूव भी किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, नो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग टेक्स प्लेस इन यफोन आर यफ टू जनरेशन. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग भी आ जाती है. इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे बेटर एग्जाम्पल है स्लैप ड्रैगन. स्लैप ड्रैगन आल्सो कॉल्ड फोर ओ क्लॉक प्लांट्स, रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, कि जब हम क्रॉस कराते हैं रेड और वाइट के बीच में, तो यफोन जनरेशन में रेड आना चाहिए या वाइट आना चाहिए जो एक्सप्रेस होगा. बेसिकली तो रेड कैरेक्टर आना चाहिए यफोन जनरेशन में, क्योंकि रेड ऑलरेडी डोमिनेंट होगा. लेकिन इसमें क्या है, रेड भी कैरेक्टर नहीं आया, वाइट भी कैरेक्टर नहीं आया. एन इंटरमीडिएट रेड्स आर सीन इन यफोन जनरेशन पिंक, ऑल प्लांट्स फ्लावर्स वेयर पिंक इन यफोन जनरेशन. तो यफोन जनरेशन में पिंक का आना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ है, ब्लेंडिंग हुई है. तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियंस लॉ. जबकि रेशियो सेम आता है, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आता है 1:2:1, लेकिन केवल एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आने की वजह से इसे हम कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जब क्रॉस कराते हैं फिर यफोन जनरेशन के हम प्लांट्स को लेते हैं, फिर क्रॉस कराते हैं F2 के लिए, जो क्रॉस कराते हैं तो F2 में रेशियो आता है 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट. वाइट कैरेक्टर्स आ गया लेकिन इंटरमीडिएट रेड्स यहाँ पर दिखाई देता है. तो नेक्स्ट कोडोमिनेंस, व्हाट इज द कोडोमिनेंस इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, नॉर रिसेसिव
नॉट डोमिनेंट नॉट इंटरमीडिएट, न तो रिसेसिव ट्रेट्स आता है, न तो इंटरमीडिएट ट्रेट्स आता है एंड न तो डोमिनेंट ट्रेट्स आता है. ईच ट्रेट्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली. हर एक एलील अपने आप को अलग ढंग से अलग तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है. इन कोडोमिनेंस द एफ1 जनरेशन रिजेंबल्स द बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के होते हैं. कोडोमिनेंस इज द कंडीशन इन विच द बोथ द एलील्स एक्सप्रेस, दोनों ही एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. मीन्स ईच एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली, नॉट रिसेसिव नॉट डोमिनेंट नॉन इंटरमीडिएट कैरेक्टर आर सीन एफ1 जनरेशन और एफ2 जनरेशन. ईच एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इन simultaneously, so it is called co-dominance. Neither allele is dominant nor even partially dominant over the others. और भी इसके एग्जाम्पल हैं co-dominance का. ब्लड ग्रुप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आर एबीओ ब्लड ग्रुप, पे ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ. द ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स आर द कंट्रोल बाई द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, जीन आई, जिसको हम जीन आई कहते हैं. The state of the codominance arises when the two equally dominant factors coexist, और इस ABO blood group के through जो है इतने तरह के allelic form expressed होते हैं. IA, IA, small i, IB, IB, इस तरह से सिक्स थ्री allelic form से सिक्स genotype प्रोड्यूस होते हैं. और phenotype के form में तो AB, AB and O तो है. IB कोड फॉर द एंजाइम दैट अटैच टू द ग्लैक्टोज टू आरबीसी, और आई ए जो होता है इट इज द कोड फॉर द एंजाइम दैट अटैच टू द एस्टिल ग्लैक्टोएमीन टू आरबीसी, एंड स्मॉल आई कोड फॉर द इनएक्टिव एंजाइम. तो थ्री एलिलिक फॉर्म से सिक्स जीनोटाइप्स आर फॉर्म इन कोडोमिनेंस. तो ऑल एलिलिक फॉर्म एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली, सो इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. और भी इसके कुछ एग्जांपल हैं कोडोमिनेंस के. कलर कोट हैं, कलर कोट्स ऑफ रैबिट्स इन ड्यू टू द डिफरेंट एलील्स. इसका भी एलील्स है, सी जीन है, लेकिन सी जीन्स में इसमें एल्बिनो वाइट हेयर्स ओवर द इंटायर बॉडी, फिर यहाँ हिमालयन है, ब्लैक हेयर्स ऑन द एक्सट्रीम. मीन्स एलील्स जितने भी एलील्स प्रेजेंस होते हैं दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली. वाइल्ड टाइप के ही है, चिंचिला टाइप का भी है, वाइट हेयर्स विद द ब्लैक टिप्स ऑन द बॉडी. द कलर डिटरमाइनिंग जीन डिनोटेड बाई द सी हैज द फोर एलील्स. इसके फोर एलिलिक फार्म होते हैं. एलिलिक मीन्स एलील्स मीन्स होता ही है अल्टरनेटिव फार्म ऑफ जीन. और जो फोर एलील्स होते हैं दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन होमोजाइगस कंडीशन. ईच एलील्स हैज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंटेक्ट मी गूगल क्लासरूम. ओके.